वर्धा स्थित महात्मा गांधी हिंदी विश्वविद्यालय में चल रहे फर्जी कारोबार के खिलाफ छात्रों ने बिगुल फूंक दिया है, जहां यह छात्र पिछले 6 महीनों से अनिश्चितकालीन आंदोलन के माध्यम से कुलगुरु को जवाब मांग रहे हैं, जहां आंदोलकों की हालत गंभीर है किंतु विश्वविद्यालय प्रशासन के कान पर जूनी रेंग रही है। दरअसल छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय के विधि विभाग में बार काउंसिल के बिना अनुमति शिक्षा दी जा रही है, जिसके चलते छात्रों का भविष्य खराब हो रहा है। जहां प्रशासन से सवाल पूछे जाने पर सिर्फ यही जवाब मिलता है कि विभाग के पास अनुमति है, लेकिन संबंधित दस्तावेज पूछे जाने पर कोई भी यह दस्तावेज नहीं दिखा रहे हैं। यह लड़ाई यह छात्र लगभग 1.5 सालों से लड़ रहे हैं, लेकिन प्रशासन जस का तस है। कई बार कुलगुरु को जवाब मांगा गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। इतना ही नहीं, जब छात्रों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रारंभ किया, तब विद्यालय प्रशासन ने 56 छात्रों का छात्रावास से खाना बंद करवा दिया और तो और उन्हें 45 दिन के निष्कासन का नोटिस भी दिया गया है। छात्रों ने बताया कि वर्तमान स्थिति किसी जेल की तरह हो गई है, जहां शिक्षक छात्रों पे बुरी तरह लाठीचार्ज करवा रहे हैं। कुछ छात्र इस आंदोलन से जुड़े हुए थे, लेकिन उन्हें भी यहां के शिक्षकों ने डरा धमका कर पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन कुछ छात्र अभी भी नहीं हटे हैं। तो वहीं 3 छात्र पिछले 10 दिनों से भूख हड़ताल करे हैं, जिनकी हालत काफी गंभीर है। एक शिक्षक ने छात्र से मारपीट भी की और वीडियो निकालने पर दूसरे छात्र का मोबाइल छीन लिया और कई अत्याचार इस अधिकार की लड़ाई में यह छात्र सहन करे हैं। सच्चाई कुछ भी हो, लेकिन प्रशासन के इस अचिंतनीय कदम से छात्रों का भविष्य खराब हो रहा है। मैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में विधि विभाग का छात्र हूँ। मैंने 2022 में विधि विभाग में एडमिशन लिया था, लेकिन मुझे बार काउंसिल ऑफ इंडिया में जब हम सभी छात्रों ने RTI डाला, तो हमें पता चला कि हमारा जो विधि विभाग चल रहा है वह बार काउंसिल ऑफ इंडिया से इसको मान्यता ही प्राप्त नहीं की गई है। तो एक अवैध तरीके से विश्वविद्यालय द्वारा हमारे कोर्स को चलाया जा रहा है और इसके तहत जो हमारी डिग्री है इसके संशय में इसका मान्यता प्राप्त ही नहीं है। तो हमारा लीगल जो हम लोग लीगल स्टूडेंट हैं, हमारी डिग्री संशय में और हमारा भविष्य इस तरह से खतरे में। इसके जवाब के लिए जब हम लोग सभी विद्यार्थी प्रशासन के पास गए, तो प्रशासन से हमने इसका जवाब मांगा, तो प्रशासन ने इसका आश्वासन हमें दिया कि 3 महीने बाद इसका जवाब देंगे। लेकिन 3 महीने बाद जब हम लोग वापस गए तो उन्होंने फिर से कोई ठोस हमें जवाब नहीं दिया। इसके बाद हम लोगों ने अपने डिग्री की मान्यता के लिए प्रशासन जवाब के लिए धरना और प्रदर्शन आरंभ किया। इसके बाद प्रशासन ने इसका भी कुछ जवाब हमें नहीं दिया। छात्र 4 दिनों से भूखे रहे वहाँ पे, कई छात्रों की तबीयत भी खराब हो गई, उनकी हालत नाजुक हो गई, लेकिन इसके लिए प्रशासन ने कोई जवाब और कार्रवाई नहीं दी। जबकि ठंड में छात्रों को बाहर निकाल दिया गया प्रशासनिक भवन से और उनको ऊपर लाठीचार्ज भी किया और पुलिस विभाग ने उनके साथ अत्याचार भी किया और छात्रों के साथ बहुत ही ज़्यादा ज्यादती प्रशासन के द्वारा की गई। इसके बाद 57 जितने विधि विभाग के 57 छात्र हैं उनको तत्कालीन निष्कासित कर दिया गया और उन्हें हॉस्टल से 3 दिनों के भीतर निकलने कर दिया गया और उन्हें हॉस्टल से खाना पीना भी बंद कर दिया। अब हम सभी छात्र क्या करें, हम ना खा पी सकते हैं ना यहाँ पे रह सकते हैं और हमारी डिग्री का भी कोई गारंटी प्रशासन नहीं दे रहा। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। NBC News के लिए मनीष डिमरी की रिपोर्ट।